नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के महाकौशल लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के छात्रों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर RDVV विश्वविद्यालय में कुलपति के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने छात्रों के विश्वविद्यालय के बाहर करने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहीं पुलिस ने इस प्रदर्शन समाप्त करने के लिए हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार किया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारी अधिकारी मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारी कुलपति मुर्दाबाद, 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 जब जब कुलपति डरता है। भैया है छात्रों के ऊपर हाथ उठा के, छात्रों के साथ अभद्रता करके छात्रों की आवाज को जिस तरीके से दबाया गया है, आज इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। सिविल लाइन थाना प्रभारी यह राज के द्वारा छात्रों के ऊपर हाथ छोड़ा गया है, छात्रों के साथ मारपीट करी गई है, छात्र विरोधी नीतियों को लेकर महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन लगातार छात्र विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन सुनवाई न होने के कारण आज हम कुलपति का इंतजार करने के लिए कुलपति कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे, लेकिन नियमित तरीके से अवैध तरीके से सिविल लाइन थाना प्रभारी और सिविल लाइन थाना पुलिस प्रधान के द्वारा छात्रों के साथ मारपीट करी गई है, उनके साथ अभद्रता करी गई है। ये छात्रों की आवाज दबाने वाला विश्वविद्यालय पुलिस प्रशासन नहीं रहा भैया, ये लोकतंत्र की आवाज को दबाने का कार्य कर रहा है, जिसकी आज हम पूरा घोर निंदा करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।